नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीएपीएससी मामले पर रोज नया कुछ ना कुछ हो ही जाता है। आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को नए सिरे से चिट्ठी लिखी गई है। छठी जीपीएससी का मामला है, जिसमें अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि नया फ्रेश मेरिट लिस्ट जानबूझकर निकालने में देरी की जा रही। स्टूडेंट ने यह भी आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट से संभवतः इन अभ्यर्थियों को स्टे मिल जाएगा, इसलिए यह सब कुछ देरी की जा रही है। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों ने जब आदेश दे दिया है, तो नया जो फ्रेश लिस्ट है इसे निकालने में क्या अड़चन है। हमारे पास जो जानकारी है इसके मुताबिक जेपीएससी मामले पर जेपीएससी स्वयं फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जेपीएससी को ऐसा लग रहा है कि हम दूसरा रिजल्ट तो निकालने का निकाल देंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इसमें और बड़ा पचड़ा हो जाएगा और भी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्या दूसरा रिजल्ट निकालना इतना आसान होगा, ये जेपीएससी को स्वयं से लगता है। इसलिए जेपीएससी कुछ दिन की और मोहलत लेना चाहती है। जेपीएससी को ऐसा लगता है कि मोहलत लेने के बाद उनकी काम हो जाएगी और ऐसी अवस्था में वह जिम्मेवारी पूर्ण रूप से पूरा कर पाएगी। यहां ये बता दें कि जेपीएससी छठी शुरू से विवाद में है और इस वक्त सबसे बड़ा विवाद यह है कि हिंदी इंग्लिश का नंबर को जोड़ा जाना और इंडिविजुअल कट ऑफ को तय जो मानक प्रतिशत रखा गया था उससे कम नंबर आने पर स्टूडेंट का चयन हो जाना। ऐसे में नया फ्रेश लिस्ट अगर आज कल में निकाल दिया जाएगा तो क्या जिन लोगों को इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिला है, क्या वो लोग फिर से सामने आ जाएंगे? और इसी दुविधा को देखते हुए जो स्टूडेंट केस लड़ रहे थे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फ्रेश लिस्ट निकाल देना चाहिए, लेकिन जेपीएससी ने फ्रेश लिस्ट नहीं निकाला। इसलिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों को आज चिट्ठी भेजी गई है। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि उन्होंने गुजारिश किया है कि जल्द से जल्द दूसरी मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाए, लेकिन यह संभावना एक और बनता है। अगर दूसरा मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो इसके बाद जो स्टूडेंट अभी तक इंटरव्यू नहीं दिए हैं उनको देने के लिए कोर्ट का शरण लेना होगा। ऐसे में जेपीएससी को लग रहा है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद फिर से इसे भी रद्द किया या अथवा करना पड़ेगा, इसलिए वो कुछ दिनों की मोहलत लेना चाहती है। खबर ये भी आ रहा है कि जेपीएससी विधि विभाग से राय मशवरा करने में लगी है और उसे अगर लगता है कि विधि विभाग सही तौर पर सही डायरेक्शन दे रही है तभी जेपीएससी उसकी बात को मानेगी। फिलहाल वेट एंड वॉच, जेपीएससी इसी पॉलिसी पर चल रही है, लेकिन जो स्टूडेंट केस लड़ रहे हैं उनका मानना है कि जानबूझकर के ये कानून का माखौल उड़ाया जा रहा है, यानी कि अब रिजल्ट निकालना चाहिए था। सिंगल बेंच के जजमेंट आने के 2 महीने तक इंतजार किया गया, फिर कोर्ट में केस चला गया, डबल बेंच ने भी जजमेंट दे दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के रूप में दाखिल हो गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगे इसके पहले ही स्टूडेंट रिजल्ट चाहते हैं जो लोग केस लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का पहले वो रुख और उसकी दिशा को समझ ले, उसके बाद रिजल्ट निकाले। बहरहाल मामला जो भी हो, परेशानी चयनित स्टूडेंट की भी है और अचयनित स्टूडेंट की भी है, यानी कि दोनों लोगों के लिए टेंशन ज्यों का त्यों बना हुआ है। वहीं हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जेपीएससी मामले पर कहा है कि मेंस एग्जाम पर वो रोक नहीं लगा सकती है, मेंस एग्जाम पर वह रोक नहीं लगा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि 11 मार्च को मेंस एग्जाम 7th जेपीएससी वाला हो जाए। हालांकि एग्जाम होने के बाद भी मामला चलता रहेगा और फिर बाद में देखा जाएगा, जैसे 6th जेपीएससी में हुआ कि सारा कुछ बाद में देखा गया, उसी प्रकार से 7th का भी हश्र हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो लोग तैयारी में लगे हैं वो लेखन शैली अभ्यास करते रहे, क्योंकि उनको बीच में लगभग 1 महीने का मोहलत तो मिल ही गया है। हमारे